अच्छा तू छंडकना बजा ले यार, क्या किया था लास्ट पे, कहाँ पे छोड़ा था, रेट्स डिस्कस कर। हाँ जी भैया, सुबह के 10 बज रहे हैं, नया दिन नई गाड़ी। आज जो गाड़ी हम करने जा रहे हैं, कस्टमर ये कहता है कि उसकी मूवमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, गाड़ी सही मूव नहीं करती, तो गाड़ी दिखाता हूँ। कैसा दिया? नहीं दिया, अच्छा चलो। अच्छा यार, ये 2007 की सुजुकी कल्टस है। कस्टमर ये कह रहा है कि इसकी सस्पेंशन में से आवाज़ आ रही है, तो टेस्ट ड्राइव करेंगे, देखेंगे कि आवाज़ है क्या, और उसके बाद फिर ये जज करेंगे इसका करना क्या कुछ है। सो बी राइट बैक। अच्छा भाई, अजान ऑटोजिनी से अभी गाड़ी को टेस्ट ड्राइव पर लेकर जा रहे हैं और चेक ये करना है कि गाड़ी में एक्चुअली मसले हैं क्या क्या। सो लेट्स सी। बेसिकली ये गाड़ी हमारे पास सस्पेंशन के लिए आई है, और हम इसमें पहले तो टेस्ट ड्राइव करके चेक करेंगे कि आज इसकी सस्पेंशन में क्या क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ऑफ द बैट मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जो है चीज़, जब हम स्पीड ब्रेकर में से गुजार रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इसके चिंटों में से आवाज़ आ रही है। मुझे ये मेजरली लेफ्ट साइड के शॉक में से लग रही है, क्योंकि जब गाड़ी नीचे से आती है और वापस आती है तो एक वो आवाज़ आती है टक टक करके, तो वो क्या करके मजाक बना रहे हो टक टक करके आवाज़ आती है। अच्छा, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो एक शॉक की ही आवाज़ है। अभी जब हमने इसको एक रफ पैच में से गुजारा है तो इसके मेरा ख्याल है दोनों साइड से ही आवाज़ आ रही है, और जब भी किसी हम खड्डे में से गुजारते हैं तो ऐसा लगता है कि दो लोहे की चीज़ें आपस में टकरा रही हैं। और ये मोस्टली तभी होता है जब इसके बुश ख़त्म हो चुके होते हैं, चिमटे के बैलेंस रॉड के बुश होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो वो आपस में टकराते हैं और फिर ये आवाज़ आती है। अच्छा, तो अभी हम यही ट्राई कर रहे हैं। मुझे इसकी रेयर सस्पेंशन, मोस्टली ये होता है कि लोग अगर सस्पेंशन का काम करवाते भी हैं तो वो फ्रंट सस्पेंशन का करवाते हैं। कंसेप्ट भी यही है, इवन टेक्नीशियंस भी आपको यही गाइड करते हैं जी फ्रंट सस्पेंशन का है, लेकिन रियर सस्पेंशन में भी आवाज़ें आ सकती हैं, उनके भी पुश होते हैं, वो भी चेक किए जाते हैं। मुझे इस गाड़ी के भी लग रहा है कि रियर सस्पेंशन में भी आवाज़ें हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मेरा हमेशा जब सस्पेंशन की बात होती है मेरे जहन में ये आता है कि कितनी देर के बाद या कितने किलोमीटर्स के बाद अगर आप एक ब्रांड न्यू गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसका सस्पेंशन का काम निकल सकता है। बेसिकली डिपेंड करता है आप किन रोड्स पे चला रहे हैं। आप देखिए, अगर आप डेली ड्राइव आपकी एक कच्चे रोड पे है, या आप कोई मतलब आउट ऑफ लाहौर जाते हैं और वहाँ पे आपकी ड्राइव को गंदी रोड्स पे है, तो वो सस्पेंशन आपका 40,000 किलोमीटर के बाद भी ड्यू हो जाता है। लेकिन अगर आप साफ रोड्स पे चला रहे हैं, आपकी स्पीड नॉर्मल है, तो फिर आपको वन लेग भी ये सही रहता है। लेकिन सुजुकी में हमने मोस्टली ये देखा है कि मैक्सिमम 1,00,000 किलोमीटर के बाद जाके गाड़ी का सस्पेंशन हो जाता है। होंडाज और टोयोटाज में ये है कि वो कोई अराउंड 1.5-2 लाख सस्पेंशन चल जाता है अगर साफ रोड पे आप चलाते हैं, लेकिन सुजुकी में मोस्टली 1,00,000 के बाद हो जाता है। इवन कुछ गाड़ियाँ जो कमर्शियल यूज होती हैं वो 50,000-40,000 के बाद भी सस्पेंशन हो जाता है उनका। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आप यूजुअली सस्पेंशन खोलते हैं, क्योंकि आप लोग तकरीबन रोज़ ही कोई ना कोई गाड़ी का सस्पेंशन ओवरऑल कर रहे होते हो, जब आप सस्पेंशन खोलते हो तो सबसे ज़्यादा मेजरली क्या ऐसी चीज़ है जो कि चेंज होती ही है गाड़ी के? सस्पेंशन खोलते ही हमें बुश तो लाजमी चेंज करने पड़ते हैं, वो दोबारा फिटिंग नहीं आती उनकी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम बुश वगैरह चेंज करते हैं और नॉर्मल, तो वो आपका माइनर ही एक्सपेंस होता है। अगर आप मतलब टाइम पे सस्पेंशन ओवरऑल करवा लेते हैं तो सिर्फ आपका बुश वगैरह का ही खर्चा होता है। अगर फिर आपने कुछ ऐसे बात करवाया जैसे कि आवाज़ें आ रही थी और आपने नोटिस नहीं किया, आप उसको चलाते रहे, तो वो फिर इफेक्ट अगली चीज़ों में आना शुरू हो जाता है, जैसे कि चिमटे हैं, उसके बाद शॉक्स हैं, मेजरली शॉक्स, सबसे ज़्यादा एक्सपेंस शॉक्स का ही होता है। अगर वो डेड हो चुके हैं तो फिर वो रिप्लेसमेंट उनकी जो है वो कॉस्टली होती है। अच्छा, शॉक्स रिप्लेस करें या रिपेयर करें, क्योंकि यहाँ पे नहीं, रिपेयरिंग की तरफ आप बिल्कुल ना जाएं, रिप्लेस ही करें, क्योंकि शॉक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि गाड़ी अगर आपकी नॉर्मल रोड पे भी चल रही है तो उनकी वर्किंग लाजमी होती है। अच्छा, रिप्लेसमेंट की जब बात करते हैं तो क्या चाइना प्रोडक्ट्स ठीक हैं या सुजुकी ओरिजिनल ही? देखिए, हम कस्टमर को हमेशा दो चीज़ें रिकमेंड करते हैं, एक ओरिजिनल चीज़ और एक वारंटी वाली। वारंटी में ये होता है कि एक मेंटल सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि चलिए 1 साल की वारंटी चीज़ों के, जैसे एक्सल है, मेरान और कल्टस वगैरह के एक्सल आ रहे हैं,
KSB कंपनी बना रही है जो कि एक साल की गारंटी देती है, तो हम मोस्टली वो यूज़ कर लेते हैं. अगर कोई जो हमारा क्लाइंट है वो अफोर्ड नहीं कर सकता ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल की कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, तो फिर हम वारंटी वाली चीज़ की तरफ चले जाते हैं. लेकिन बेस्ट चीज़ यही है कि आप ओरिजिनल यूज़ करें. अगर आप ओरिजिनल नहीं करना चाहते तो फिर ए प्लस की तरफ जाएँ, जो कि वारंटी में हो, एटलीस्ट आप माइंड जो है वो सेटिस्फाइड हो कि जी हाँ एक साल तक मेरी चीज़ को कोई मसला आएगा अभी तो मैं फ्री रिप्लेसमेंट करवा सकता. अच्छा, इसका अब हमने क्या करना है? अब ये गाड़ी हम खड़ी करेंगे, ये अभी आपने जैसे देखा होगा हमने कैट इससे गुजारी है, तो इसने काफी ज्यादा जो है गाड़ी ने एक तो वाइब्रेट भी किया है और दूसरा जो है मतलब जग कर रही है इसमें गाड़ी जब आप कैट इससे स्पेशली गुजार रहे हैं. तो यही इसका मोस्ट प्रोबेबली यही है कि इसके जब सस्पेंशन खुलेगा फ्रंट और रियर दोनों के बुशेज वगैरह तो बिल्कुल डेड है मेरे उसमें ऑब्जर्वेशन में. और जो है दूसरी चीज़ इसमें हम देखेंगे चिमटे, जिनको बॉल जॉइंट्स और चिमटे दोनों चीज़ें कहा जाता है. और तीसरी चीज़ हम शॉक्स देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली चिमटे इसके रिप्लेसमेंट होंगे. शॉक्स हम चेक करेंगे, अगर तो वर्किंग कंडीशन में हुए तो वो सिर्फ सर्विस करवाएंगे हम, सर्विस जो कि खरादिया करता है वो हम खुलवा के उनके पास भिजवाएंगे, वो सर्विस करेंगे, सर्विस करने के बाद हम इंस्टॉल कर देंगे. लेकिन ये हम खुलने के बाद ही बता सकते हैं क्या चीज़ें रिप्लेस होनी है और क्या चीज़ें सर्विस होनी है. My heart would never be much faster. Before you came round, I was ready to slow down. Before you came round, I was heading for a small disaster. Before you came round, I was ready to blow me down. तो हमारे पास जो कल्टस सस्पेंशन के लिए आई थी उसके पार्ट्स खुल के हमारे सामने आ चुके हैं. अब हम इनकी कंडीशन चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा पार्ट रिप्लेस होने वाला है और कौन से पार्ट की सर्विस होके वो चल सकता है. इसमें पार्ट्स जो इंक्लूडेड हैं वो ये एक्सल हैं. ये देखें, ये एक्सल को जैसे हम देख सकते हैं एक्सल का बूट इस टाइम फटा हुआ है, इसको हम रिप्लेस करेंगे. दूसरी साइड का बूट भी आप देख सकते हैं कि ये क्रैक हो चुका है और ये एक्सल काफ़ी लूज़ है, ये देखें. तो इसके भी हम चेक करेंगे कि ये रिपेयर हो सकता है या ये रिप्लेस होगा. अगर कोई आवाज़ कर रहा है तो हम इसको रिप्लेसमेंट की तरफ ही जाएंगे. उसमें भी आपको दो क्वालिटीज़ बताई थी, एक वो चाइना वाले और एक जो जनवन आते हैं. उसके बाद हम आ जाते हैं कंगी की तरफ. ये कंगी स्टेयरिंग जिसको कहा जाता है कंगी है. इसके ये एंड जो होते हैं ये वाला फिर भी बेहतर है, दूसरी साइड वाला अगर आप देखें तो वो काफ़ी लूज़ है. तो ये भी या तो रिपेयर होगा या फिर इसको हम रिप्लेस करेंगे. पूरी कंगी रिप्लेस होती है और इनके हम इन एंड्स को भी चेक करेंगे. ये बेसिकली ज़्यादा जो है खरादिया चेक करता है. ये एंड्स काफ़ी हार्ड हैं, ये आप देख सकते हैं इस टाइम इनमें इतनी ज़्यादा हार्डनेस नहीं होती. उसके बाद हम आ जाते हैं स्टीयरिंग क्रॉस की तरफ. अब ये क्रॉस यहाँ पर होता है और ये यहाँ से ऊपर जो आपके इंटीरियर में स्टीयरिंग होता है उसको ज्वाइन करता है, ठीक है. ये जॉइंट होता है बेसिकली. तो इस जॉइंट में हमें काफ़ी प्ले नज़र आ रही है, ये आप देख सकते हैं. ये जो है ये इसके अंदर बुश होते हैं, ये प्ले नज़र आ रही है. और ये प्ले का नुकसान क्या होता है, आप गाड़ी जब स्पीड में ड्राइव कर रहे होते हैं तो स्टीयरिंग काफ़ी वाइब्रेट करता है, शिवर करता है, तो ये वो इस वजह से होता है. अब हम इसका भी ये भी खरादिया को भेजेंगे और वो बुश लगाएगा इसका. बेसिकली ये रिप्लेस नहीं होता, इसका बुश लग के ये चल जाता है. अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो चिमटा है. इनमें तीन चीज़ें होती हैं, एक ये बुश होता है, एक ये. तो ये जो बुश हैं ये हमें अच्छी हालत में लग रहे हैं, ये शायद रिप्लेस हुए हुए हैं पहले. और ये वाले बुश जो हैं ये भी रिप्लेस हुए हुए हमें लग रहे हैं पहले. तीसरी चीज़ इसमें जो है वो है बॉल जॉइंट. बॉल जॉइंट जो है वो ये भी काफ़ी हार्ड है, ये तो मतलब मूव हो ही नहीं रहा, हालाँकि ये ईजिली मूव हो जाता है हाथ से. नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारे पास है इसका शॉक. अब ये शॉक का आप देख सकते हैं ये बुश जो है ये फटा हुआ है. दूसरी चीज़ शॉक में मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि शॉक के अंदर यहाँ पे ऑयल होता है. ऑयल जो है वो यहाँ से लीक हो जाता है. तो जब लीक हो जाता है तो फिर तो इन एनी केस हमें उसको रिप्लेस करना होता है. अभी हमें लीकेज नहीं नज़र आ रही इसलिए हम इसको खरादिए को चेक करवाएंगे. वो इसके ये ऊपर वाला माउंटिंग और इसकी लीकेज चेक करेगा, इसका बूट नया डालेगा, उसको सर्विस करेगा और हो सकता है हम सर्विस करके ही इसको चला दें. अगर ये कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें लीकेज होती तो फिर हम इसको डेफिनेटली रिप्लेस करते हैं. ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है जो सस्पेंशन में होता है, हब होती है ये. इसमें जो चीज़ सर्विस से रिप्लेस होने वाली होती है वो इसके अंदर सिर्फ एक बेयरिंग होता है, हब का बेयरिंग. बेरिंग को अभी मोस्टली खरादिया ही चेक करता है कि उसके अंदर आवाज़ है, यानी बेरिंग ख़राब होकर आवाज़ करता है. और जब गाड़ी स्पीड में चलती है जैसे 40-50 की स्पीड पे होते हैं तो आपको एक गूंज सी सुनाई देती है, काफ़ी शोर कर रही होती है गाड़ी चलते हुए, तो वो इस बेरिंग की आवाज़ होती है. इस व्हील के अंदर ये बेरिंग होता है, ठीक है. इसको अब खरादिया के पास हम भेजेंगे, इसका नया बेरिंग भेजेंगे जो कि दो क्वालिटीज़ आती हैं चाइना और जापानीज़. लेकिन चाइनीज़ की तरफ बेरिंग की तरफ बिल्कुल भी ना जाएँ क्योंकि वो बहुत ही लो क्वालिटी होते हैं,
जिसमें दो तीन ब्रांड्स जापानीज में आ रहे हैं वो बेरिंग यूज़ करते हैं आप, तो वो हम अब तराजी के पास भिजवाएंगे, वो इसको अनइंस्टॉल करेगा बेरिंग को, फिर वो नया बेरिंग प्रेस करेगा और उसके बाद इसको हम दोबारा इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा सामान खरादिए के पास पहुंच चुका है, हमने खरादिए को चेक करवाया है, उसने एक रिपोर्ट बनाई है कि जी इसमें से कौन से पार्ट्स रिपेयर हो सकते हैं और कौन से पार्ट रिप्लेस होंगे। अच्छा, अभी हम खरादिए के पास से हैं, तो खरादिए का क्या सीन है, क्या कह रहा है वो? बेसिकली हमने अपनी पहली उसमें शुरू में जब हमने सस्पेंशन खोला था तो हमने बताया था कि खरादिए के पास जाएगा, सस्पेंशन के जो भी पार्ट्स हैं वो रिपेयर होने होंगे या रिप्लेस होने होंगे तो वो खरादिया हमें रिपोर्ट देगा। उसने हमें ये रिपोर्ट दी है कि उसकी जो स्टीयरिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्ले है, जो हम कह रहे थे कि गंदी सड़क पे उसकी आवाज़ें जो आती थी वो ज़्यादा गंदी में थी, वो काफ़ी लूज़ थी तो उसमें प्ले थी, इस वजह से उसको रिप्लेस करना ही ज़्यादा बेटर है। और दूसरी चीज़ जो ज़्यादा मसला आ रहा था वो बुशों में आ रहा था, वो तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि वो रिप्लेस ही होंगे। शॉक्स मेजर खर्चा होता है लेकिन वो इस गाड़ी के ठीक थे, उनमें कोई मसला नहीं था, वो वैसे ही सर्विस होके लग जाएंगे। एक बात उसने जो की है कि जो तुम्हारे तवे हैं या जो डिस्क हैं तुम्हारी, बिल्कुल व्हील डिस्क व्हील तवे जो होते हैं बेसिकली उनको टूल लगता है और वो टूल लगने के बाद ब्रेक पैड्स जिन पे काम करते हैं तो वो पॉलिश्ड होनी चाहिए सरफेस उसकी, वो हमने अभी देखा तो उस पर ना ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा टूल लग चुका है, वो उसकी जो सरफेस थी वो बिल्कुल बारीक हो चुकी है लेकिन रियलिटी में वो काफ़ी मोटे होते हैं तो उन पे ऑलरेडी टूल्स लग चुके हैं हमें, इस वजह से जो है वो हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे उसके। ये बेसिकली तब होता है जब आप यूजली ब्रेक सर्विस नहीं करवाते, आपको ब्रेक पैड्स का आइडिया नहीं होता, आप ब्रेक पैड्स टाइम पे चेंज नहीं करवाते तो वो ब्रेक पैड्स खत्म होने के बाद उसकी जो एंड वाली सर्फेस लोहे की होती है वो तवों के साथ लगती है और वो तवों को ख़राब कर देती है। अच्छा यार, लास्ट टाइम तक हुआ ये था कि हम लोगों ने सस्पेंशन का सामान उतार के खराबी को दे दिया था, ये चेक किया था कि सामान में प्रॉब्लम क्या है, खरादी ने बताया था जो चीज़ें सर्विस होने वाली हैं वो सर्विस करनी थी उसने और जो चीज़ें नई डालनी थी वो हमने न्यू खरीद ली हुई हैं। सामान खरादी से वापस आ चुका हुआ है, अब हमने करना यह है कि सामान की फ़िटिंग करनी है वापस, तो सामान की फ़िटिंग करेंगे। अच्छा, हमारे पास कल्टस के पार्ट्स जो हैं सस्पेंशन के वो पहुँच चुके हैं, खरादी से सर्विस हो गए हैं, कुछ पार्ट्स नए आए हैं, उसमें हमने ये तवे मंगवाए हैं, तवे जो कि बिल्कुल बारीक थे, हमने पहले भी दिखाया था आपको, तो वो हमने ये नए मंगवा लिए हैं। ये जो पेयर है चाइना का ये 2500 रुपए का है और जो जेन्युइन थे इसके वो 4500 रुपए के हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो हमने इसके चिमटे चेंज कर दिए, चिमटों के बॉल जॉइंट जो कि पहले भी रिपेयर हुए हुए थे हमने दिखाया था, तो वो हमने खरादिया से मशवरा किया था, डिस्कस किया था, तो वो क्या ये कह रहा था कि इसको रिप्लेस कर दें तो ज़्यादा बेटर है, तो ये हमने रिप्लेस कर दिए। ये भी हमने इसमें अब दो ऑप्शन थी, एक तो नए थे जेन्युइन और एक चाइना के, और तीसरी ऑप्शन थी काबली। काबी की तरफ हम रिकमेंड नहीं करते और ना ही हम उनको यूज़ करते हैं अनलेस कस्टमर हमें फोर्स ना करे तो। इसके जो ओरिजिनल चिमटे हैं वो 7500 के इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं, उसके बाद चाइना के आ जाते हैं वो 3500 के अवेलेबल हैं, जो हब्बे हैं उनको वही सर्विस किया गया है और बेरिंग को ग्रीस वगैरह की गई है तो ये यही चल जाएंगी। उसके बाद आ जाते हैं हम कंगी की तरफ, कंगी हमने इसकी जो कि आपको दिखाया था उसका रॉड बहुत ज़्यादा ख़राब था अंदर से, ये भी इसमें दो तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक ओरिजिनल, एक चाइना की कंगी और तीसरी जो है वो है काबले। इसमें भी हमने कस्टमर को रिकमेंड किया था ओरिजिनल, इसकी कंगी जो है वो इस टाइम इंडिया से आ रही है और वो 13000 रुपये की है, उसके बाद चाइना की कंगी है वो कोई अराउंड 3500 या 4500 की है। इसमें और जो हैं एक्सेल के बूट डले हैं ये जो हैं, उसके बाद शॉक सर्विस हुए हैं जस्ट, और जो ये है इसका स्टेयरिंग का क्रॉस, इसको भी बुश लग गई है, आपको दिखाएं पहले ये बहुत ज़्यादा इसमें प्ले थी, अब इसको बुश लग चुका है और ये प्ले इसकी काफ़ी कम हो गई है।
गाड़ी खरीदने या बेचने के लिए parkwheels.com पर जाएं, क्योंकि गाड़ी की डील्स ओनली ऑन parkwheels.